तो दोस्तों अहमदाबाद में डे एंड नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू होने से थोड़ा सा पहले ही एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई। कंट्रोवर्सी इतनी जबरदस्त थी जिसमें जबर कम दस्त ज्यादा था। कंट्रोवर्सी ये थी कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का जो पहले नाम था उसको चेंज करके नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया और इसके बाद लिबरांडुओं ने मचा दिया भोकाल। लिबरल भोकाल इतना जबरदस्त था कि उन्होंने ये कह दिया कि सरदार पटेल का अपमान कर दिया गया है क्योंकि स्टेडियम का नाम पहले सरदार पटेल के नाम पर था और उनका नाम बदलकर अब नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया है। पर लिबरांडो अगर पूरी बात बता दे तो वो लिबरांडो कैसे रहे, तो आइए इस पूरे मुद्दे के ऊपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सारी बातें करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो जी लिबरल्स का कहना है कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का जो असली नाम है, जो रजिस्टर्ड नाम है, वो सरदार पटेल जी के नाम पर सरदार पटेल स्टेडियम रखा गया था और अब वो सरदार पटेल स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ये सरदार पटेल का बहुत बड़ा अपमान है और ये तो देश बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। और अब देखा जाए तो नंबर ऑफ ओकेजन्स पर हमने यही देखा है कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो है उसको सरदार पटेल स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम इसी नाम से संबोधित किया गया है बहुत सारी जगह पर। तो भाई इतनी सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि लिबरल्स जो है वो सही बोल रहे हैं, मगर लिबरल्स तो लिबरांडू हैं और लिबरांडू पूरी बात आपको बताते नहीं है। लिबरांडू तो हर बार ये करते हैं कि अगर इल्लीगल स्लॉटर हाउस बंद किया जा रहा है तो उसमें से इल्लीगल हटा लेते हैं और कहते हैं स्लॉटर हाउस बंद किया जा रहा है। अब अगर इस खबर में भी लिबरांडो आपको पूरी खबर बता देते तो कंट्रोवर्सी कैसे बनती। पूरी खबर क्या है, पूरी खबर यह है कि एक अनाउंसमेंट की गई थी और उस अनाउंसमेंट में यह बताया गया था कि देश में गुजरात में अहमदाबाद में एक स्पोर्ट्स एनक्लेव बनाया जाएगा। वो स्पोर्ट्स एनक्लेव ऐसा होगा जहां पर ओलंपिक गेम्स तक कराए जा सकते हैं। वो स्पोर्ट्स एनक्लेव इतना बड़ा होगा कि वो पूरे देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स एनक्लेव होगा। उस स्पोर्ट्स एनक्लेव को 190 एकड़ से भी ज्यादा भूमि पर बनाया जाएगा और इस स्पोर्ट्स एनक्लेव का भी आज ही अनावरण किया गया है प्रेसिडेंट कोविंद के द्वारा। और इस स्पोर्ट्स एनक्लेव का नाम पता है क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव। और जो क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी के नाम पर वो इस स्पोर्ट्स एनक्लेव का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। अब एक इतना बड़ा स्पोर्ट्स एनक्लेव सरदार पटेल के नाम पर बनाना और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा मोदी के नाम पर होना, क्या सरदार पटेल का अपमान है भाई? अगर शशि थरूर से पूछो तो वो हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल शेयर करते हुए इसकी ये हेडिंग जो भ्रामक है वो दिखाते हुए ये कह सकते हैं कि भाई ये तो पटेल जी का अपमान है, मगर एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया हमें पूरी बात पता होनी चाहिए क्योंकि शशि थरूर जैसे नेता जो हैं वो राजनीति कर सकते हैं और उनका अधिकार भी है। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या इस स्टेडियम को मोदी के नाम पर रखना सही है या नहीं है। तो पहले हम आपको इसकी हिस्ट्री देते हैं और वीडियो के अंत में हम आपको अपना ओपिनियन भी बताएंगे। तो पहले हिस्ट्री पर चलते हैं। तो जी मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो बना था वो बना था 1982 में, एक छोटा सा स्टेडियम हुआ करता था, इसमें फ्लड लाइट्स वगैरह भी नहीं हुआ करती थी। फिर 2006 में इसमें रेनोवेशंस की गई, फ्लड लाइट्स लगाई गई और कुछ पिचेस बनवाई गई। उसके बाद से ये आईसीसी का एक स्टेडियम बन गया और उसके बाद से यहां पर आईसीसी के इवेंट्स भी होने लगे और अच्छे खासे इवेंट्स यहां पर हुए। फिर उसके बाद साल 2009 में नरेंद्र मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। 2014 तक वो वहाँ के अध्यक्ष रहे और इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने एक सपना ये देखा कि भाई इस क्रिकेट स्टेडियम को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाएं और दुनिया की सबसे अच्छी फैसिलिटीज वाला क्रिकेट स्टेडियम बनाएं। फिर साल 2015 में इस पूरे स्टेडियम को तोड़ दिया गया और इसके टेंडर निकाले गए कि कौन इस सपने को पूरा कर सकता है। उसके बाद L&T ने ये टेंडर जीता और 700 करोड़ रुपए का उनका टेंडर था जिसके अंदर इस पूरे स्टेडियम को बनाया गया। और ये जो स्टेडियम है ये प्राइवेट इक्विटी से, यानी कि प्राइवेट कंपनी से पैसा लेकर बनाया गया और इसीलिए मैच के अंदर आपको अडानी एंड रिलायंस एंड जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं जिसके ऊपर लिबरांडो भोकाल मचा रहे हैं। अब भाई जो आदमी पैसा लगाएगा किसी चीज को बनाने में वो अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करेगा ही, और ऐसे एग्जांपल्स हमने बहुत देखे हैं। आर्सेनल का जो अपना स्टेडियम है उसका नाम एमिरेट्स स्टेडियम है,
क्योंकि उसको फंडिंग वहां से मिलती है। और इसी तरीके से जो लिब्रांडो एग्जांपल्स दे रहे हैं कि देखो हिटलर ने अपने नाम पर स्टेडियम रख लिया था, तो भाई चेंज होकर उस स्टेडियम का नाम अब मर्सिडीज बेंज स्टेडियम रखा गया है। अब कांग्रेस के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब हम पावर में आएंगे तो हम नरेंद्र मोदी के नाम के इस स्टेडियम का नाम जो है वो चेंज कर देंगे। और बहुत सारे कांग्रेस समर्थक ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो मायावती वाला काम कर रहे हैं, मायावती अपने फोटोज लगवाती थी, स्टैचूज बनवाती थी, और नरेंद्र मोदी अपने नाम का स्टेडियम बना रहे हैं, नार्सिसिज्म आ गया है। तो मतलब ये भी कमाल ही की बात है, 450 से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी स्कीम्स जो केवल नेहरू गांधी परिवार के नाम के ऊपर रखी गई हैं भारत में, वो लोग आज एक स्टेडियम मोदी के नाम पर रखा गया है तो उसका विरोध कर रहे हैं। काफी कूल है ब्रो। अब बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि गांधी नेहरू के नाम पर जो प्रोजेक्ट्स चलाए गए या जो बिल्डिंग्स के नाम रखे गए वो उनकी मृत्यु के उपरांत ही रखे गए, उनके कार्यकाल में उन्होंने ऐसा नार्सिसिज्म नहीं दिखाया। ऐसा नार्सिसिज्म या तो मायावती ने दिखाया या मोदी अब दिखा रहा है। तो जी अब इसका भी इतिहास देख लेते हैं। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, उससे पहले नेहरू जी ने कितने स्टेडियम अपने नाम पर रखवाए थे वो देखते हैं। 1962 में गुवाहाटी में एक स्टेडियम बनाया गया जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया। 1958 में हुबली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के नाम से एक स्टेडियम बनाया गया। 1964 में इंदौर स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया। और इसके बाद भी इतने सारे जो स्टेडियम हैं ये जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ही हैं। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी के कार्यकाल की। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही, और उसके बाद उनका अगला टर्म शुरू हुआ 1980 से 1984 तक, जब उनकी मृत्यु हुई। 1982 में दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम का अनावरण हुआ। 1982 में दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम बनाया गया, वो इंदिरा जी के कार्यकाल में ही था। 1972 में सोलापुर में इंदिरा गांधी स्टेडियम बनाया गया, वो भी उन्हीं के कार्यकाल में था। 1969 में विजयवाड़ा में इंदिरा गांधी के नाम पर स्टेडियम बनाया गया, वो भी उन्हीं के कार्यकाल में था। तो भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में अपने नाम पर स्टेडियम्स नहीं बनवाए। काफी हैं एग्जांपल हमने दे दिए हैं। और ये ना केवल स्टेडियम्स हमने बताए हैं, स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स और दुनिया भर की जो चीजें होती हैं वो तो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। अब इस पूरे मुद्दे के ऊपर हमारा क्या टेक है, क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर ये स्टेडियम बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? तो ये हमारा इस पर हमेशा यही कहना रहा है कि अगर कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज बनती है तो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का कोई आइकन है देश का, उसके नाम पर हम स्टेडियम को रख सकते हैं। जैसे स्टेडियम को सचिन के नाम पर रखा जा सकता था, गावस्कर के नाम पर रखा जा सकता था, द्रविड के नाम पर रखा जा सकता था। इस देश ने बहुत महान क्रिकेटर्स पैदा किए हैं। शायद ये विडंबना ही है कि केरला के अंदर एकमात्र सचिन तेंदुलकर के नाम पर स्टेडियम मिलता है, और गावस्कर के नाम पर तो यूएस में जाकर एक स्टेडियम मिलता है। पर जिस देश में खेल रत्न अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता है तो उस देश में ये परिकल्पना करना थोड़ा शायद मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से, उसके जो लिंक्स हैं वो पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमें patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।